नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक का रोहन चैनल पर। दोस्तों यहां पे जो है फाइनली रियलमी 3 के अंदर जो है अपडेट आ चुका है। अभी पिछले एक महीने पहले जो है रियलमी 3 प्रो के अंदर जो अपडेट आया था, तो वहां पे मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। वहां पे जो काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि रियलमी 3 के अंदर जो है अपडेट कब आएगा। सो फाइनली जो है यहां पे रियलमी 3 के अंदर अपडेट आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और यहां पर भी जो है सारा नोटिफिकेशन बार जो है पूरा पूरा चेंज हो चुका है। काफी अच्छा फोन दिखता है अब हमारा। सो देख सकते हैं आप जो है पूरा नोटिफिकेशन बार जो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे जो काफी सारे नए नए फीचर जोड़े गए हैं, सारा इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से नए फीचर जोड़े गए हैं, पूरा पूरा इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। सो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि ये रियलमी 3 है। सो अभी हम जाएंगे अबाउट फ़ोन के अंदर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है रियलमी 3 लिखा हुआ है। सो अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि ये रियलमी 3 है। सो यहाँ पर जो है चलते हैं सबसे पहले अपडेट की ओर। सो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन बार चेंज हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है अब हमारा फ़ोन। सो ये जो है सबसे बड़ा अपडेट है इस फ़ोन के अंदर। और अब चलते हैं अगले अपडेट की ओर, तो वो है यहाँ पर जो है डार्क मोड को लेकर के। सो यहाँ पर जो है सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर जो है रियलमी लैब का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है डार्क मोड का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। सो यहाँ पर जो है आप इसको भी ऑन करके यूज कर सकते हैं इस अपडेट के बाद। सो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा फ़ोन जो है डार्क मोड के अंदर चला गया। काफ़ी अच्छा लगता है डार्क मोड के अंदर भी हमारा फ़ोन, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है डार्क मोड को पसंद करते हैं। मैं भी ज़्यादातर डार्क मोड के अंदर ही फ़ोन को यूज़ करता हूँ। तो अब हम चलते हैं अगले अपडेट की ओर। सो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आया है डिजिटल वेल्बिंग का। सो ये जो है डिजिटल वेल्बिंग का ऑप्शन है। सो इसको यूज कर सकते हैं आप। यहाँ से आपको जो है पता लग जाएगा कि आपने जो है पूरे दिन के अंदर कौन से ऐप को कितनी देर तक यूज किया, और साथ में जो है आपने अपने फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया, और आपके फ़ोन के अंदर कितने नोटिफिकेशन आए, सारा कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आप। सो यहाँ पे जो काफ़ी सारे अपडेट आए हुए हैं, मैं आप लोगों को सारे अपडेट दिखा नहीं सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ कि कौन कौन से अपडेट आए हैं। सो चलेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर, और यहाँ पर जो है अपडेट वर्जन जो है वो है 11A24, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो ये अपडेट आएगा तभी जो है आप इन सभी फीचर्स का आनंद उठा पाएंगे। सो अब हम चलते हैं फीचर्स के अंदर। फीचर्स के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे कि कितने सारे अपडेट आए हुए हैं। सो जा करके आप जो है मैन्युअली चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे अपडेट हैं। अगर मैं अपडेट बारी बारी बताने लगा तो यहाँ पर जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आप लोगों को जो है मेन मेन जो अपडेट आए हुए हैं उनको बता दिया, और बाकी सारे आप जो है मैन्युअली जा करके यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है आपको जा करके अपडेट करना है अपने फ़ोन को, उसके बाद जो है आपको मैन्युअली चेक कर लेने हैं सारे अपडेट। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो चलाता रहता हूँ। सो नमस्कार, मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।